अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फायजा की रसोई में बनाएंगे नान खटाई। तो नान खटाई बनाने के लिए ये सामान दिखा दे रहे हैं, देखिए आप लोग। ये 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है, इसको हमने मिक्सर में पीस लिया है। 200 ग्राम मैदा है और ये 100 ग्राम बेसन है। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने छान लिया है। ये 1 कप सूखा दूध है, ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे नान खटाई टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो इसमें हरी इलायची डाल सकते हैं, और नहीं हरी इलायची पसंद है तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं। हमने घी पिघला के रख लिया है, ये 150 ग्राम है। तन में घी पलट लेंगे। अब इस नान खटाई में हमें पानी या दूध बिल्कुल नहीं मिलाना है। दूध और पानी अगर हम मिला देंगे तो ये नान खटाई बिस्कुट की तरीके से नहीं होगी, मुलायम हो जाएगी। तो ये देखिए चीनी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें शक्कर को। देखिए चीनी कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है तेल में। देखिए चीनी कितने अच्छे से घी में मिक्स हो गई है। अब ये हम मैदा डालेंगे। और ये बेसन डालेंगे। और ये सूखा दूध डालेंगे इसमें। आधा चम्मच इसमें हमें बेकिंग पाउडर डालना है, ये हमने डाल दिया है। इसको हम तैयार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घी से ही तैयार होगा ये। इसको हम तैयार कर लेंगे। इसमें तेल घी की और कमी अगर होगी तो हमें और डालना पड़ेगा। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसकी नान खटाई बनाने जा रहे हैं। देखिए आटा अच्छे से हमने गूंद के लगा दिया है, और इसमें 1/2 कप हमने घी और डाला था, कम पड़ गया था। रिफाइंड तेल भी आप लोग डाल सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बॉल बनाना है, फिर इस तरह से इसको दबा देना है, फिर इसमें बीच में इसे निशान लगा देना है। ये हमने घी ले लिया है, अब इसको हम ट्रे में फैला लेंगे अच्छी तरह से। ये हम ओवन की ट्रे में घी लगा रहे हैं, इसलिए इसमें हमको नान खटाई इसमें ओवन में बेक करना है। और अगर आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं तो कढ़ाई में जो बर्तन रखेंगे उसमें ये घी लगा सकते हैं। अब ये हम ट्रे में हमने अच्छे से घी लगा लिया है। अब ये नान खटाई को हम ऐसे रख देंगे इसमें। ये देखिए ट्रे में हमने नान खटाई को सजा दिया है। अब इसको हम ओवन में लगाएंगे। हम ओवन में नान खटाई बना रहे हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है, नान खटाई बनाना है आपको, तो ये कढ़ाई हमने लिया है। कढ़ाई में नीचे नमक डाल सकते हैं, अगर चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। ये ढक्कन को इस तरीके से कढ़ाई में रख देना है, इसमें हमें घी लगा लेना है। तो ये नान खटाई इसमें हमको सजा देना है। सजाने के बाद फिर एक ढक्कन से ढक देना है। 30 मिनट के बाद धीमी आंच में हम रख देंगे। 30 मिनट के बाद हमारी नान खटाई तैयार हो जाएगी। जब हम गैस बंद करेंगे
30 मिनट के बाद तो नान खटाई हमारी मुलायम रहेगी, लेकिन उसको हम 10 मिनट के लिए बाहर रख देंगे पंखे में तो हमारी नान खटाई टाइट हो जाएगी, सही एकदम भाव पे आ जाएगी, ताव पे। आपको ऐसा ना लगे कि नान खटाई कच्ची है, क्योंकि जब गैस बंद करेंगे तो मुलायम रहेगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि नान खटाई कच्ची है जब उसको बाहर रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने घी मिलाया है, घी की वजह से वो मुलायम रहेगी, जब तक गर्म रहेगी वो मुलायम रहेगी, जब वो ठंडी अच्छी तरह से हो जाएगी तो उसमें टाइट पना आ जाएगा। तो चलिए बेक करते हैं। अगर नए आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओवन को हमने गर्म होने के लिए रखा है 175 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए हमने बेक करने के लिए रखा था, तो 10 मिनट में 5 मिनट में पहले निकाल लिए हैं, क्योंकि अगर हम पहले ड्राई फ्रूट लगा देते तो ये सब ड्राई फ्रूट जल जाते हैं, इसके लिए हमने 5 मिनट पहले निकाल लिया है। ड्राई फ्रूट लगाने के बाद 5 मिनट के लिए हम और रख देंगे ओवन में। ये पिस्ते हैं कटे हुए कुछ, तो इसको हम लगाएंगे इसमें नान खटाई में, ऐसे हम सब में लगा लेंगे। ये देखिए कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं, कुछ हमने बादाम लगा दिया है, कुछ पिस्ते लगाया है और कुछ काजू लगा दिया हमने। तो ये हमने लगा दिया है, देखिए 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए नान खटाई को हमने बेक कर लिया है। तो अब ये 10 मिनट के लिए हमने बेक किया था, तो अब ये तैयार है नान खटाई। तो ये देखिए कैसी लगी हमारी रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।